टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल साथिया में गोपी और जग्गी के शुभ विवाह होने से कहानी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ान में चकोर और सूरज ने मिलकर बचा ली है जेलर की जान। एक तरफ जहां स्वराग्नी में रागिनी के अपने हाथ की नस काट लेने से कहानी में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि के पति को सिमर ने करवा दी है जेल, जिससे अंजलि ने घर में मचा रखा है कोहराम। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल साथ निभाना साथिया की गौरा यानी कि टीवी स्टार वंदना पाठक, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके मोदी हाउस में। और फर्स्ट ऑन जूम वंदना पाठक जी ने किया खुलासा कि आखिर वो क्या कर रही हैं यहाँ मोदी हाउस में। आज तो गौरा ऐसे ही आई है यहाँ पे, मेरा एक इतने टाइम बाद आ रही है तो एक डिफरेंट लुक था, एंड पहले तो प्लेन जेन जैसा लुक सोचा तो भी एक अलग सा लुक है, तो इसलिए मैं यहाँ लुक टेस्ट के लिए आई थी। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए वंदना जी ने भी किया रिवील कि इतने लंबे समय बाद शो से गायब होने के बाद वो कर रही थी इस शो को कितना मिस। बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। ऐसे क्या है, इतने सालों से काम कर रही हूँ लेकिन कई जगह आपके ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसे फ्रेंड्स हो जाते हैं हु आर फॉर लाइफ। जैसे अभी हम लोग विद्या और हम लोग सब मिले थे, हम पांच के सारे, तो इट वाज लाइक कल ही शूटिंग हमने ख़त्म की और आज हम वापस मिल रहे हैं, इतना ऐसे था। उसी तरह का यहाँ पे है। वंदना ने ये भी किया खुलासा कि कैसे होगा उनका सीरियल में धमाकेदार एंट्री। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि किस तरह की एंट्री होगी, बट शॉली धमाकेदार ही होगी, कुछ तो होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक क्रिएटिव से इतनी बात नहीं हुई है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट या कुछ तो होगा ही, क्योंकि गौरा ऐसे शांति से तो बैठती नहीं है, जब भी आती है तो कुछ धमाका करके ही आती है एंड कुछ बड़ा ही होता है, तो मेरे ख्याल से अभी भी ऐसे ही होने वाला है कुछ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अब गौरा वापस आ रही है तो आपको वापस मज़े करवाएगी, वही उसका स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग और वो सब चालू हो जाएगा। तो जैसे पहले आपने मुझे इतना प्यार दिया था और कितनी भी मैं ख़राब हरकतें करूं, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इतना ही प्यार दिया है, तो उसी तरह अब मैं वापस आऊंगी तो वैसे ही प्यार देना मुझे। वेल वी होप आप गौरा, हमारा मतलब है वंदना पाठक की सीरियल में री एंट्री वाली न्यूज से तो हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब सेट पर गोपी और जग्गी का हो रहा है शुभ विवाह। शादी के मंडप में जग्गी के साथ ले रही है गोपी सात फेरे और बनने जा रही है उनके साथिया, लेकिन ये सब हुआ है राधिका के चलते यानी कि जग्गी की होने वाली दुल्हनिया, जिसकी पोल खुलने के बाद गोपी ने शादी रोकने के लिए उसे मंडप से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ गई, जिसे देख कोकिला भी हो जाती है परेशान और वो गोपी को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन गोपी ने इस बार नहीं सुनी कोकिला की बात और मंडप में बैठ गई जग्गी के साथ। वह एक तरफ जहां गोपी रचा रही हैं जग्गी के साथ शादी, मगर राधिका भी कहां आसानी से हार मानने वालों में से हैं। हाथ में बम लेकर शादी के मंडप में पहुंच गई, यानी कि ड्रामे के बाद बम का ट्विस्ट धमाकेदार था। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, लवी का डॉग वाला लव। एक तरफ जहां राधिका पहुंची बम लेकर जग्गी की शादी में तूफान मचाने, लेकिन इससे पहले कि वो धमाका कर पाती जग्गी उस बम को लेकर बाहर भाग जाता है। वेल आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे ड्रामे के बाद भी इनकी शादी हो जाएगी, आफ्टर ऑल फैंस इन्हें एक साथ देखने के लिए बेकरार जो हैं। वो जग्गी और गोपिका का जो प्यार का असर है ना, वो दिखता है और वही चाहिए होता है, क्योंकि अब किसी से आप बेइंतहा प्यार करते हो जब, तो वो ऐसी चीज़ें तो वो फिर परवाह नहीं करते, ऐसे ही होता है फिर ड्रामा, फिर फिल्मी थोड़ा सा हो जाता है।
सीरियल उड़ान में सूरज और चकोर ने बचा ली है जेलर की जान। दरअसल कमल नारायण जेलर की जान के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि कमल नारायण के कारनामों के खिलाफ सबूत सिर्फ इस जेलर के ही पास है। तो उस सबूत को पाने के लिए सूरज और चकोर जेलर को इस खुफिया जगह लेकर आए हैं, और चकोर ये डिसाइड करती है कि सूरज यहाँ जेलर साहब की सुरक्षा के लिए यही उनके साथ रुकेगा। हमने जेलर को वहाँ से बचाया था गुंडों से, और अब हम उनको यहाँ लेकर आए हैं, तो यहाँ पे उनको रखेंगे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। चकोर कमल नारायण के खिलाफ जो सबूत जेलर के पास है उसे लेने के लिए निकल रही है। जेलर अब सुरक्षित एक जगह है जहां सूरज उसकी रखवाली कर रहा है, और चकोर जाएगी हवेली कमल नारायण के खिलाफ उस सबूत को सही सलामत अपने पास लाने के लिए, ताकि कमल नारायण को जेल भिजवाया जा सके। अब देखना ये है कि चकोर ये जोखिम भरा काम कैसे करेगी। उनके पास कमल नारायण के खिलाफ प्रूफ है, तो हम चाहते कि वो प्रूफ हमें मिल जाए। लेटर ऑन द शो, क्यों करेगी अंजलि सुसाइड की कोशिश। सीरियल स्वरागिनी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब रागिनी के लिए सभी घर वाले हैं परेशान, क्योंकि रागिनी ने काट ली है अपने हाथों की नस, और इसी की वजह से स्वरा के साथ साथ सभी घर वाले लगे हैं उन्हें मनाने में, मगर रागिनी है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वेल, एक तरफ जहां रागिनी ने काट ली है हाथ की नस जिससे हो गए हैं सभी शॉक्ड, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आता है नया ट्विस्ट, जब अचानक रागिनी को नजर आते हैं लक्ष्य, जिन्हें देख रागिनी हो जाती है अचानक खुश। सीरियल ससुराल सिमरका में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का तड़का, जब सिमर ने भिजवा दिया है अंजलि के पति को जेल, जिससे तिलमिलाई अंजलि ने भारद्वाज हाउस में मचाया कोहराम, और अपनी मॉम सिमर और डैड प्रेम को जमकर सुनाई खरी खोटी और निकाली अपनी दिल की भड़ास। मैं इतनी फ्यूरियस हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब है, मैं इतना रो रही हूँ, अब तो कोई मेरा अपना नहीं, अब तो लाइक सब भाड़ में जाओ। वेल, एक तरफ जहां अंजलि अपने पति को जेल में जाने के बाद होती है सिमर और प्रेम पर ब्लास्ट, वहीं अब वो हो जाती है इतनी परेशान कि फाइनली उसे लगता है कि अब उसका जीना ही है बेकार, और वो भाग कर करती है खुद को कमरे में बंद और करेगी सुसाइड की कोशिश। क्या मैं खिलौना हूँ सब लोगों को, क्या हूँ मैं? नहीं, मैं खिलौना नहीं हूँ, मत खेलो मेरी जिंदगी के साथ। तो अब इतना टूटा हुआ फील कर रही हूँ कि जीना ही नहीं है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जब सीरियल में दिखा फिल्म मुन्ना भाई MBBS की ट्रैक की झलक, जहां विभूति अपने मामा जी को दिखाने के लिए बन गए हैं नकली डॉक्टर, और घर को बना दिया है अस्पताल, और मोहल्ले वाले बन गए हैं मरीज, और अंगूरी और अनीता बन गए हैं नर्सेज। फिर क्या था, अब विभूति जी अपने मामा जी को दिखाने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया मरीज बने तिवारी जी का इलाज, वो भी इंजेक्शन लगाकर, जिसके बाद तिवारी जी का रिएक्शन देखने लायक था। सब सारे एक्टिंग कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक। एक्टिंग में इंजेक्शन लगा या सच में लगा? नहीं, वो सच में घुसेड़ दिया उसने। उसकी खुंदक है ना तिवारी के साथ। वेल, एक तरफ जहां विभूति जी डॉक्टर बनकर अपने मामू को कर रहे हैं इम्प्रेस अपने अनोखे इलाज से, वहीं दूसरी तरफ अंगूरी और अनीता ने एक मरीज की बीमारी दूर करने के लिए किया अनोखा डांस, वो भी अस्पताल में, जिसके बाद नर्स बनी अनीता और अंगूरी भाभी ने किया कमाल, जब उनके इस डांस के बाद आ जाता है कोमा में पहुंचे मरीज को होश, जिसे देखकर विभूति के मामा हो जाते हैं बेहद ही खुश अपने डॉक्टर भांजे का कमाल देखकर। इसी में परफॉर्म करेंगी, वो एक जैसे आइटम सॉन्ग था ना उसमें मुन्ना भाई में, उस तरीके का कुछ परफॉर्म करेंगी, इसको टीका को मामा के सामने ठीक करने के लिए। वेल, एक तरफ जहां विभूति जी अपने मामू के सामने कर रहे हैं डॉक्टर बनकर नाटक और कर रहे हैं झूठ मूठ के मरीजों का इलाज, तो वहीं दूसरी तरफ विभूति जी के मामा जी विभूति के इस कमाल को देख हो जाते हैं इतना इम्प्रेस्ड कि वो खुद करते हैं अपनी इलाज की गुहार, जिससे हो जाता है नकली डॉक्टर बने विभूति का बुरा हाल कि आखिर अब वो करे भी तो क्या करे। सीरियल
सीरियल नागार्जुन के सेट पर शंकरचूर्णा बने फोटोग्राफर और मस्किनी ने करवाया फोटोशूट। जी हां, मस्किनी बनी करिश्मा तन्ना का सेट पर उनके को एक्टर फ्रेंड मृणाल ने किया फोटोशूट, जिसे लेकर करिश्मा है बेहद हैप्पी, क्योंकि उन्हें मृणाल का ये टैलेंट आया बेहद पसंद, साथ ही मृणाल की क्लिक की हुई अपनी पिक्चर्स भी। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का के आर्यन और सांची की दोस्ती इन दिनों बनने लगी है गॉसिप। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, किंशुक और शिव्या साथ काम करते करते एक दूसरे के आ गए हैं क्लोज, और सेट पर शूटिंग के अलावा भी दोनों कई बार साथ में कपल टाइम स्पेंड करते भी दिखाई दिए हैं। वोला इनके बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल चंद्र नंदिनी की नंदिनी एके श्वेता प्रसाद बासु ने रिसेंटली सेट के अपने मेकअप रूम को अपने हाथों से किया है पेंट और अपने अकॉर्डिंग वॉल्स को किया है डिजाइन। श्वेता के अकॉर्डिंग उनका मेकअप रूम बहुत ही डल और बोरिंग लग रहा था, जिसे वो अपनी तरह ऑर्गेनाइज्ड और इंटरेस्टिंग बनाना चाहती थी। वेल, शादी के बाद दिव्यांका और विवेक अपने हनीमून को अपने रिस्पेक्टिव शोज की शूटिंग के चलते कर गए थे मिस। अपने अपने वर्क कमिटमेंट के चलते जिस हनीमून पर दोनों तब नहीं जा पाए थे, उसी हनीमून को लेकर दोनों ने अब कर ली है प्लानिंग, एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दोनों अपने हनीमून पर जल्द ही जा सकते हैं यूरोप। एक चैनल के सिल्वर जुबली इवेंट में टीवी सितारों ने बिखेरे अपने ऐसे जलवे कि देखने वाले देखते रह गए, और जिसमें श्रुति और किशोर की परफॉर्मेंस रही गजब की। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको अंकिता लोखंडे के बारे में खुलासा करने की। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, अंकिता लोखंडे बहुत जल्द आ सकती हैं किसी शो में। वेल, अब हम आपको बता दें कि आखिर अंकिता इतने दिनों से टीवी से दूर क्यों हैं। सोर्सेज की माने तो अंकिता टीवी शोज में नहीं बल्कि फिल्म्स में करना चाहती हैं काम। इतना ही नहीं, अंकिता ने तो कई रोल्स के लिए ऑडिशंस भी दिए हैं, मगर फाइनल कहीं भी नहीं हुआ। सुनने में तो ये भी आया था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के लिए भी अंकिता ने दिया था ऑडिशन, मगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अंकिता ने डिकोड किया है कि वो वापस टीवी पर आएंगी। वेल, अंकिता टीवी हो या फिल्म, आपके फैंस तो बस आपको देखना चाहते हैं। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल साथिया की परी, यानी कि टीवी स्टार लवी, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली मिलवाया अपने क्यूट से पपी को, जिनका वो करती हैं साजो श्रृंगार भी। मेरी दिन की शुरुआत इससे होती है और दिन का अंत भी जो होता है वो इससे ही होता है। अरे, आज सेट पर भी मेरे साथ है, कभी कभी आती है, बहुत रेयर आती है सेट पर ये, क्योंकि घर पर ये मेरी मेट के साथ रहती है घर पर ही, लेकिन जब कभी मेट को कहीं बाहर जाना होता है तो फिर मैं इसको लेकर आ जाती हूँ। ये हेयर स्टाइल मेरी मेड बनाकर भेजती है, लेकिन ये एक सेट पे खेल कर अपने आप को बहुत ऐसे कर देती है कि इसके बैंड सब निकल जाते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि मेरी हेयर ड्रेसर ने फिर से इसकी जो क्यूट सी पोनी बना दी और क्यूट सा ये क्लिप लगा दिया है। इसका नाम एक्चुअली फ्लफी है, लेकिन आज के इसका नाम है गुलाबो। इतना ही नहीं, लवी का ये पेट अब सेट पर भी बन गया है सबका दुलारा। तभी तो देखिए ना कैसे ये सबके साथ घुल मिल भी गया है। तो मोना घर आती रहती है, इसको मिलती रहती है, तो मोना को बहुत अच्छे से जानती है, इनफैक्ट सोना को ये बहुत अच्छे से जानती है। कपिल शर्मा के सेट पर पहुँचे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। कपिल शर्मा के सेट पर पहुँचे शाहरुख खान और आलिया भट्ट, और जब ये दोनों यहाँ आए तो हुआ धमाल। और अब आपको झलक दिखाते हैं रियलिटी शो सुपर डांसर की, जहां सभी हैं सुपर एक्साइटेड। सीरियल बेहद में आ गया है इंटरेस्टिंग सीन, जहां माया ने फाइनली बुला लिया है सांझ को डिनर पर, और अब इसके बाद क्या होने वाला है इसे लेकर सभी हैं एक्साइटेड। सो टेली टॉप अप भी लाया है आपके लिए इसका खास प्रोमो। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत जल्द आने वाले हैं मेजर चेंजेस।
जैसा कि आपको पता है कि अक्षरा का रोल निभा रही एक्ट्रेस हीना खान ने शो से ले लिया है एग्जिट। वहीं शो की स्टोरी अब अक्षरा से शिफ्ट होकर कार्तिक की मां का रोल निभा रही एक्ट्रेस पारुल चौहान पर जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, कार्तिक के फादर के रोल में जल्द होने वाली है स्वराग्नि फेम के एक्टर सचिन त्यागी की एंट्री। पॉपुलर टीवी शो पवित्र रिश्ता की पुन्नी यानी एक्ट्रेस जिया मुस्तफा जल्द ही दिखाई देने वाली है नए शो मोह मोह के धागे में। इस शो में जिया के अलावा एक्टर एजाज खान और नियति फटनानी दिखाई देंगे लीड रोल्स में। जिया नियति की सिस्टर का रोल प्ले करती हुई दिखाई देंगी और उनका ये कैरेक्टर होगा पॉजिटिव। शिवांगी नागिन और रुद्रा नाग है अपने असली रूप में। रुद्रा और शिवांगी हैं जंगल में जहां रुद्रा बेहोश पड़े हैं और शिवांगी आती है रुद्रा को बचाने। जैसे ही शिवांगी रुद्रा को उठाने की कोशिश करती है किसी के आने की आहट आ जाती है और वो फिर रूप बदल लेती है और बन जाती है नागिन। रुद्रा के हाथ से बह रहा है खून और कहीं रुद्रा पर ये अटैक अवंतिका ने ही तो नहीं किया है, क्योंकि शिवांगी और रुद्रा का दुश्मन सेम ही है और इस बदले की दास्तान में दोनों कर रहे हैं एक दूसरे की मदद। टीवीपुर के टैलेंटेड एक्टर और राम के कैरेक्टर से पॉपुलर होने वाले गुरमीत चौधरी लगता है अब कोई भी माइथोलॉजिकल टीवी शो करने के मूड में नहीं है। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, गुरमीत को दो नए माइथोलॉजिकल शोज के लिए रिसेंटली किया गया अप्रोच, लेकिन गुरमीत ने दोनों शोज के लिए कर दिया मना। एक था राजा एक थी रानी में जल्द होने वाली है न्यू एंट्रीज। जी हां, इकबाल खान और दीपशिका नागपाल की एंट्री के बाद इकबाल की गर्लफ्रेंड नुसरत के रोल में एक्ट्रेस तन्वी माध्यान और इकबाल के दुश्मन ठाकुर बलदेव सिंह के किरदार में अफजल खान आएंगे नजर। तश्ने इश्क फेम के जैन इमाम की स्मॉल स्क्रीन पर जल्द होने वाली है वापसी। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, जैन इमाम को कास्ट किया गया है टीवी शो ये वादा रहा में लीप के बाद सोनल वेंगुर्लेकर के ऑपोजिट। सोनल इसके पहले सुरभि का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो अब अपनी ही बेटी खुशी का कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखाई देंगी ऑपोजिट जैन। अब बारी है आपको बिग बॉस के घर के बिग ड्रामे वाली खबर से रिचार्ज करने की। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर। डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।